राजधानी लखनऊ में पिछले 48 घंटे से रुककर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंडिया न्यूज राजधानी लखनऊ के एक ऐसे गांव पहुंचा जहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग अपने कच्चे मकानों से फूस के मकानों में रहने को मजबूर है, क्योंकि बारिश की वजह से कई मकान। बिल्कुल, राजधानी में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसमें आपको बता दें कि हम राजधानी लखनऊ के ही मोहनलालगंज विकास खंड के बरगधिया खेड़ा गांव में। आपको बता दें ये गांव विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है और बारिश ने कहीं ना कहीं गरीबों पर दोहरा कहर बरपाया है। यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे, हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से कच्चे घर है। और अगर हम रास्ते की बात करें तो रास्ता भी आप देख सकते हैं पूरा कच्चा रास्ता है। यहाँ तक हमें भी पहुंचने में काफी मुसीबत हुई है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई अधिकारी कभी आता ही नहीं होगा। कुछ यहाँ पर है लोग, ग्रामीण हैं यहाँ के, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मैडम, कब से बारिश हो रही है यहाँ पे? भैया हो रही काफी दिन से बारिश हो रही है। हमारे परेशान हम सब कहे थे मुंह तक सब का दिक्कत, नदी कलोनी नलोनी दिन नदी लैटरे वगैरह कुछ नहीं दिन, बड़ी मुसीबत है। पानी मानी को तरा बूढ़ी रहना है, क्या करे मानी बंगला वंगला सब कुठरी सब गिरी गए, सब परेशानी मारी बहुत दिक्कत है, क्या करी। और को सुनता ही नहीं ना, को आवे नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आता, वो अधिकारी है जांच करे, को वो उतर नहीं है, क्या करी बहुत परेशानी है, को आवे न को जाए ही है। अब हम बोर्ड करा रहे हैं भैया। बिल्कुल, यहाँ और भी कुछ लोग हैं, इनके कच्चे मकान बने हुए, इनसे पूछते हैं कि कितनी दिक्कतें होती हैं, किस तरह से वो इस बारिश में जो लगातार बारिश हो रही है कैसे रह पा रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? देवदत्त। देवदत्त, कैसे रह पा रहे हैं आप अपने? अरे साहब, हम तो घर पका सब गिरे जा, सब पानी बूढ़ रहे, क्या करी, अब कौन उपाय करी, सब बंगला वंगला सब गिर जा बूढ़ जा, पानी भरा देख लिया था, अब कौन, कभी कोई आता नहीं, सुन ले कभी नहीं कोई आता साहब। बिल्कुल, एक बड़ी विडंबना की बात है कि ये राजधानी का ही एक गांव है जो कि विकास से कोसों दूर है। यहां पर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे घर पे, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके वो कैसे, इनको कितनी असुविधा होती है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से फूस के घर बना के रह रहे हैं और इस बारिश में किस तरह से टपकता भी होगा, उनसे बात करते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग रह रहे हैं, कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? भगवान देव। आपके पास कोई घर नहीं है, आप यहीं पे रहती हैं? रहे थे बच्चा कोठरी पीछे गिर पड़े, बंगला बनेंगे। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं इनका कच्चा मकान गिर गया है। कितनी असुविधा हो रही जो लगातार बारिश हो रही पिछले 48 घंटों से। बच्चा खूब बढ़ती रहा, बीजी रहे 15 दिन से बेटवा यही पानी में सारी रही, का करी कोठरी गिर गया तो का करी मजबूर धन के। आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण खुद भी रह रहे हैं फूस के घरों में, क्योंकि उनके कच्चे मकान गिर चुके हैं। और अपने जानवरों को भी देखिए किस तरह से बारिश से बचाने के लिए यहाँ पर अंदर बांध रखा है, जो जानवर है उनको भी बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो फूस का बना हुआ बंगला है, इससे कहीं ना कहीं पानी भी टपकता होगा और इनको भी काफी असुविधा होती होगी। अब ऐसे में देखना होगा कि बारिश और अधिकारियों की लापरवाही का डबल अटैक झेल रहे ये गरीब ग्रामीणों को कब तक सहूलियत मिल पाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए आप